तो हे गाइस, क्या हाल है। आयुर्वेद गेमिंग नामक चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम खेल रहे हैं फिर से माइनक्राफ्ट। यह है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम आज जाने वाले नैदर में। नैदर में हम जाएंगे दो स्टोन लेने, जिसका नाम है एक मैग्मा ब्लॉक और सोल सैंड, जो साइंस मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। पर नैदर से मुझे डर लगता है, क्योंकि जब मैं वहाँ गया हूँ मैं बहुत गंदे तरफ बैठा हूँ। तो आज भी जाएंगे, देखेंगे हमारे साथ होता क्या है। फिलहाल तो अगर आपने हमारा फोर्थ पार्ट नहीं देखा हो तो बता दूं मैं, उसमें हमने बनाया था ये विलेजर्स का हाउस, जिसमें मेरे 4 या 5 विलेजर्स हैं। वो बाद में दिखाऊंगा, मिलाऊंगा आपको उनसे, मीटिंग कराऊंगा उनकी। और ये हमारा लामा जो कुछ ज़्यादा पागल है, ये इग्नोर इतना वाला है, इसको मैं बुलाऊंगा। देखना अभी ऊपर देख रहे हो, मतलब इतना ढीठ इंसान है, ये प्राणी है इतना ढीठ कि मेरे तरफ देखता नहीं है। मालिक हूँ मैं, इसको क्या करें, चलो छोड़ो। तो ये मतलब उसका मैंने सोचा इसका नाम रखूँ, पर मेरे पास नेम टैग नहीं है, क्या करें। तो नेम टैग जब आएगा तो मैं इसका नाम रखूँगा ज़रूर, क्योंकि इसका नाम रखने वाला है तूफान। कभी कभार नहीं, ये पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है। पागलों की तरह हरकत क्या, मतलब इधर उधर कुत्ते की तरह भाग रहा है, इतने लामा है, भूल जाता कि ये लामा है, ये बस कुत्ते वाली हरकतें करने लग जाता है, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम तूफान। फिलहाल मैं अपने टूल ढूंढ रहा हूँ, मिल गए ये, मैंने कभी अभी ब्रांड न्यू टूल बनाए हैं, जो हम करेंगे यूज माइनिंग के लिए। माइनिंग हम करने जाएंगे पहले ऑब्सीडियंस के लिए। बेसिकली सबको पता है ऑब्सीडियंस ये है, और नेदर पोर्टल बनाने के लिए तो हमारे पास मेरे ख्याल से 10 या 12 कुछ है, वैसे मिनिमम 14 चाहिए। तो नेदर की बड़ी चढ़ी के, अब तो भीड़ की बड़ी चढ़ा चुकी है, भीड़ की बड़ी चढ़ चुकी है नेदर में जाने के लिए, क्या पता हमारा अच्छा हो कुछ। तो फिलहाल तो मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपना विलेजर हाउस, क्या कि मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए इसमें, जो मैंने ऑफलाइन किया था वो लेने, जैसे मैंने कुछ कार्पेट लगाए थे, और ये हमारा विलेज इतना फोटो क्यों रहा है, कुछ अच्छा इसके पास क्या दे रहा है भाई तू, कौन नॉक बैक टू, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ किस चीज़ के लिए होता है, क्या इस्तेमाल होता है, क्या मिलेगा हमारे को इससे। मुझे यहाँ तक ये नहीं पता कि कौन सा टूल या कौन सी चीज़ पर लगेगा ये, और भी क्या हाल है तेरे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये अपने विलेजर देख लिया हमारे, और ये दोनों नल्ले विलेजर जो फालतू होते हैं, पूरे दिन का ये रूटीन है, खाओ पियो मोचो और सो जाओ। ये बंदे दिन में भी सो जाते हैं, मुझे सुन जाते हैं, इतनी नींद लाते कहाँ से आकर जा रही है। फिलहाल मैं अपनी बुक ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे एंचाइटमेंट मिल रही है, एंचाइटेड बुक पढ़ी है काफ़ी अच्छी अच्छी, क्योंकि मैं एक विलेजर है उससे ट्रेड करा मैंने लाइब्रेरियन से, तो उसने काफ़ी अच्छी राय एंशाइनमेंट दिए, और मैंने उसको बहुत खुश किया थे। सही मैं देख सकता यार, एंड्रॉइड अभी भी पड़े मेरे पास 38, जब मैं आगे यूज करूँगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, उसको एंशाइनमेंट लगाते हैं, सबको मिला एंशाइनमेंट खाते हैं अपने टूल्स को, आर्मर वर्मर सबको, क्योंकि हमें खतरा मोड़ ले देना, क्योंकि यार वो सबको पता है नज़र कितनी खतरनाक जगह यार। तो फुल प्लानिंग फुल स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे हम, और वहाँ धावा भी बोल देंगे हर चीज़ पर। अब मुझे पता नहीं कि मैं मतलब सामान लेके भी आऊँगा या खो के जाऊँगा, क्योंकि बहुत खतरा है यार वहाँ। और फिलहाल तो एक गेट यार मैंने बनाया यार, ऑफलाइन जाके सही में बहुत अच्छा लग रहा है तो नॉर्मल सा, पर लुक अलग दे रहा है। और मैंने अभी तक आपको अपना घर नहीं दिखाया था, ना अपने प्राणी से मिलाया, यह मेरा पालतू जानवर, उसका नाम कुछ नहीं रखा मैंने, नेम टैग नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये पता नहीं अलग क्यों रहता है उन दोनों बिल्लियों से, बनती नहीं है उसकी उन बिल्लियों से, पता नहीं क्यों, आखिर है तो है क्या। और ये दो बुल्लियाँ, ये तो हमेशा साथ में ही रहती है, इतनी बेस्ट फ्रेंड्स है ये तो, या कुछ हो रही मियाँ मियाँ करिए और कुछ नहीं करिए। और ये कुत्ता है जिसका नाम गारंटी में रखने वाला हूँ साइलेंट किलर, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है, दिख रहे इतना मासूम सा शांति से बैठा है। और एक बार मैंने गलती कर दी इसको अपने भेड़ वाले जो फार्म है, फार्म कह रहा हूँ मैं, बान उसमें रख दिया इसको, और इन्होंने कमी ने सारी भेड़ मार दी मेरी, सारी A to Z। फिलहाल यहाँ ऑक्सीडेंस पर 8 पड़े यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि 8 पड़े ही हैं, नीचे भी हमें काफ़ी मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लावा कहाँ कहाँ पर है। और कुछ डायमंड ले लेता हूँ मैं, और फिर बनाते हैं एंशाइनमेंट टेबल। हाँ अब बनाते हैं एंशाइनमेंट टेबल, उसके लिए बुक ये बनाई मैंने, बुक एंशाइनमेंट टेबल आ चुका है इसकी, ये भी रेडी है एंशाइनमेंट टेबल। अब इसको जाके हम छत पर रखेंगे, मुझे पता है कि इसके लिए काफ़ी सारे बुक शेल्फ चाहिए, जब भी देता है अच्छी चीज़ हमें, पर हम ट्राई करते हैं क्या होता है, किस्मत अच्छी हो हमारी, मिल जाए कोई ढंग की चीज़। और क्या करना, वो यार भूल गया मैं,
लेवरेज तो चाहिए यार, मैं लेवरेज तो कि बिना कैसे करेंगे इंस्टॉलमेंट। डायमंड रखो, फालतू में खोगा आ गया ना, मैं मुड़ गया, सीन क्रिएट हो जाएगा मेरा। बड़ी मुश्किल से तो 11 डायमंड मिले हैं। ठीक है, तो अभी ये बस बुक डालते हैं पहले, ये डाली लैपिस, ये बड़ा बुक, और ये तो पहले एंशाइनमेंट है। एंशाइनटेड बुक को मैं डाल दूँ दोबारे, क्या कर दे रहा मुझे, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 2 क्यों लगा ली मैंने फालतू में, डायमंड गलती से कर दिया मैंने, गलती से। और क्या है, शार्पनर, मेरे पास शार्पनर 5 पड़ी है, शायद पड़ी है शार्पनर 5 या 4। अनब्रेकिंग दे रहा, वो भी 1-3 लेवल पे। स्माइट, इसमें कुछ काम करनी है, बिल्कुल भी काम करनी है। शावल पे ट्राई करें क्या, शावल पे एफिशिएंसी और ब्रेकिंग 1 दे रहा, जो कि हमारे काम करनी है। मैं सोच रहा हूँ एक्स पे लगा लूँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए टूल्स पर हमारे। एफिशिएंसी क्या लगाऊँ, ब्रेकिंग 2 लगा लेता हूँ। अनब्रेकिंग 2 लगा ली है, ट्राई में काफ़ी टाइम लगने वाला हमें प्लानिंग करने के लिए, कुछ ज़्यादा ही लगेगा यार। चलो शावल और एक्स मैंने कर लिया, जबकि उसका कुछ काम नहीं है, फिर भी मैंने कर ली फालतू में, पता नहीं क्यों, काम आएंगे आगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ये अब चलिए करते हैं मेन चीज़ जो करने वाले, इस एक्स पे लगाएंगे, इस पे नहीं यार वही बन रही है क्या यार, मैंने गलती इसे डायमंड वाले पे लगा ली। क्या मैं डायमंड की पिकैक्स एक और बना लूँ, चल छोड़ो रहने दो, एक काम करता हूँ, सिल्वर की फिर आयरन की पड़ी है उसी पर लगाते हैं। एफिशिएंसी 4 जो लगा ली हमने, और कुछ लगा सकते हैं इस पे, नहीं ये नहीं हो रही अटैच यार। एफिशिएंसी 2 ही बन रही है, जा क्यों वो बन भी नहीं, बल खाली पकड़ लूँगा मैं थी इंस्टॉलमेंट के चक्कर में। एक काम करते हैं, स्माइट पड़ी है हमारे पास ना, स्माइट पड़ी है, शार्पनेस 2 पड़ी है और स्माइट 3। स्माइट 3 से होता क्या मुझे पता नहीं, मुझे लगता है ऐसे कि इसका डैमेज बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने ट्राई करा है नॉर्मल डायमंड वाले से मारने और फिर स्माइट 3 मार के मारने में, तो यार जो प्राणी होते हैं जल्दी मर जाते हैं, ज़ॉम्बी या मॉब जैसे जो भी कह लो। फिलहाल मैं तैयारी करता हूँ और मिलता हूँ आपको जल्दी। तो गाइस यार मैंने काफ़ी एंशाइनमेंट कर दिया, मतलब एंशाइनमेंट मैंने काफ़ी एंशाइनमेंट लगा दिया अपने भेजा यूज़ कर करके, मैंने इतनी ज़्यादा एंशाइनमेंट करी मैं भूखला गया। फिलहाल तो मैं पानी ले रहा हूँ और नीचे चल रहा हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। ऑक्सीजन कलेक्ट करेंगे और नेदर में जाएंगे, 3 मिनट हो ही चुके हैं और मैं कह रहा हूँ कि नेदर में जाएंगे और अभी तक मैं गया नहीं। और काफ़ी यार मेरे को यार लग रहा है माइनिंग में कहीं और स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यार मुझे यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा ढंग का। और ये फिर से स्पॉन हो गया, ये मेरे को सुना था ट्रेडर हमेशा यहाँ क्यों स्पॉन हो जाता है, क्यों भाई, क्या मजा आता तेरे को, तू कुटे भाई खा वाल तो मजा आता है। अब ये देखना थूकेंगे यहाँ नहीं जाना, पहले मैं पीछे उस तरफ माइन कर रहा था पर अब मैं इस तरफ माइन कर रहा हूँ, क्योंकि उधर मेरे को कुछ नहीं मिला और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला मुझे सही में। अब यहाँ पर मैं आया और मैंने क्या है यार, पानी आ गया सामने, देख रहे पानी है इस वाले में, तो मैंने और भी यहाँ एक रूम बनाया और चेस्ट रखी है जो हमेशा के इधर खाली है। मेरे पास चेस्ट इतनी है पर सामान कुछ भी नहीं है सही में। और यहाँ इसी साइड थे यार कहीं लावा, हाँ यहीं था। अब बस मेरे को जाना है लावा में, डालना है पानी और ये डाला हमने पानी और ऑक्सीजन रेडी। अब तुम्हारा भाई करेगा 500 IQ गेम प्ले सही में, देखना अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं इस लावा, ये लावा कह रहा हूँ, इस ऑक्सीजन के नीचे लावा हो सकता है, तो मैं पानी डालूँगा और कूद पानी में जाने, क्यों नहीं जा पा रहा ना मैं, सर इसको कूद लो मैं, इसको तोड़ो, अब जा गया। अब देखना अगर लावा खा जाएगा, आ जाएगा हमारे सामने गलती से, उस लावा का देखना क्या होगा। फिलहाल तक बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ऑक्सीजन तोड़ने में, 1.5 घंटे लग जाएंगे सही में तोड़ने में, स्पीड में करते हैं। चलो अब देखना कि क्या होगा लावा के साथ। ये था तुम्हारे भाई का 500 IQ गेम प्ले, कि देख रहे लावा आया और कोल्डस्टोन बन गया ऑटोमेटिकली और दौड़ चलिए यार अब इसको तोड़ के ऊपर चलते हैं। और मैं यार लावा तोड़ लिया है, लावा कह रहा हूँ ऑक्सीजन तोड़ लिया मैंने, और इसका एक और प्राणी कहाँ गया, मैं 2 छोड़ के गया था ना, तो अकेला है, चल यार तू मेरे साथ चल दे ऊपर आ जा, चलो लेट्स गो, गए कहाँ सीढ़ियाँ ये दी भाई, तू दूसरा कहाँ से आ गया, तू मैंने तू कहाँ से आया, टेलीपोर्ट हो गया है तू भी चल मेरे साथ चल। 2 प्राणी लेके जाएंगे हम, अभी आ जाओ, मन नहीं है तुम्हारा,
चल रहे यार छोड़ इसको, क्या करेंगे बाद में ले जाएंगे कभी। मुझे कहीं से यार स्लाइम की आवाज़ आ रही है, कहाँ है स्लाइम? ये रही, अब इसकी और मेरी लड़ाई चालू। मैं अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, स्लाइम वो एक ही थी और एक ही बोल दे, स्लाइम बोल दे चुकी है और मेरे को लगता है बारिश बंद होगी, शायद रात हो गई है, सो जाते हैं एक बार। अभी भी रात नहीं हुई, मतलब बारिश होने का कोई चांस नहीं जब तक रात नहीं होगी। अब मैं यार रात होने का इंतजार करूँगा, इतने में तो अपने क्या हो जाएगा सीन, क्या होता है मोप जाकर, मोप आ गए और मैं सूत गए तो अलग सीन है। तो यार मैं काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे रिकॉर्डिंग करने में, सही में बहुत ज़्यादा। फिलहाल मैंने एक जगह बनाई थी, प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पर मैं नेदर पोर्टल करूँगा रेडी। अब नेदर पोर्टल बनाने के लिए की तैयारी चालू करते हैं। फिलहाल तो हम कोबलस्टोन भी यूज़ करते हैं, उसमें पता होगा क्यों। तो यहाँ पर तीन रखने हमें ऑब्सीडेंट्स, तो तीन रख दिए, इसके तूकन लग गया, ये मैंने तोड़ने वाला, अभी पागल हो जाऊँगा तोड़ तोड़ से। एक कोबलस्टोनिया, एक कोबलस्टोनिया, अब इसके ऊपर चढ़ेंगे थोड़े से लोग पे, और तीन की लेयर चढ़ाएंगे, एक दो तीन, दूसरी साइड से भी यहीं से कर लेते हैं, वरना कूदेंगे तो हालत जाएगी हमारी। अब रखेंगे एक यहाँ कोबलस्टोन, तीन रखेंगे ऑब्सीडेंट्स और एक कोबलस्टोन, फिर हमारा पोर्टल हो गया रेडी। अब तोड़ लेता हूँ मैं भली, एक सेकेंड, हाँ तोड़ नहीं, पहले स्टार्ट कर लेंगे बार क्या, चलो स्टार्ट, मैं बोला गलत बन गया, नहीं जल रहा, जल जा मेरे भाई जल जा, अबे ताऊ जल जाना तू, वो ताऊ के नाम पे बड़ी जल्दी जल गया रही है तू। अब कोई भी चीज़ करने करानी होगी ना, मैं किसी से भी ताऊ बोलूँगा मान जाएगा, क्या बता मेरे पास। और ये डायमंड वाली में एफिशिएंसी 2 लगी है, फिर भी एफिशिएंसी 4 वाली से बेटर काम कर रही है, अलग ही मजा आ रहा है। फिलहाल तो मैं सारा सामान रख के आ रहा हूँ, फालतू वाला जो सामान मेरे पास पड़ा है जो मैं खोल नहीं चाहता, जैसे कि ये ऑक्सीजन स्लाइम, और ये तो रख लेता हूँ, बाल्टी पानी भर लूँगा, चलो पानी यहीं से, और मेरे ख्याल से कुछ रखने वाली चीज़ है नहीं, है ना, तो अभी यहीं से हम बस पानी भरेंगे और चलेंगे नेदर में। नेदर में जा रहा तुम्हारा भाई, लाइक ठोक दो इसी बात पे, ठीक है। इस मतलब इस वाली सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, उसमें पहली बार हम नेदर में जा रहे हैं, तो यार सबको बाय बाय कर दूँ, क्या होता है लोटे ना लोटे। तो गाइस बाय बाय, मैं जा रहा हूँ नेदर में। बहुत घबराहट हो रही है और घास चीख रही है, अभी रोते उड़े रोते रह गए, पक्का देखियो आधे मुंह दिखाएगी दिखाएगी, देखिए मुँह ये दिख, ये रही टूपली बेटी, वो नीचे भी एक यार भाई, दो दो यार घास, यहाँ सीन क्रिएट हो गया। अभी कहाँ है तू यार, आ जा, वो एक ये रही बैठेगी, मतलब वो भाई ओसम कति ओसम यार, पावर टू कितना खतरनाक काम कर रही है, एक ही में घास मर गई यार वो, ये नफा बस बच जा बच जा, अभी लग जा, और लग नहीं रहा, तू तो मर, तू मरेगी, तू मरेगी, टेंशन मत ले तू मरेगी। वो सब यार सेम बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि घास चार एक ही एरो में मर रही है, कम से एक नंबर की कत्ती जहर, बहुत खतरनाक सीन हो रहा है सेम यहाँ पे, और इतना खतरनाक सीन होगा एक घास चाहिए और मेरे को पहले की चलेगी, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ इधर में। सामान मैंने इकट्ठा लूट लिया, और आगे देख रहे हो इसको पहले बताओ, क्योंकि इतने बहुत हेल्प कर रही है घास को, कि मेरे को मारने के लिए घास ने इतने डैमेज नहीं दिया, डैमेज नहीं दिया जितने आग नहीं दिया था मुझे से, क्योंकि घास से बचने के चक्कर में आग में कूद गया। ये तो वही बात होगी, एक तरफ को दूसरे तरफ खाई, अब कहीं भी जाओ मरेगा तो भाई। और यही वाली आग थी तीनों, जितने जिसने घास की मदद करी थी सही में, बहुत तगड़ी वाली, बहुत तगड़ा डैमेज दिया था इन्होंने मुझे। और यह पिगलिंग तो है, चलो अच्छा है मैं आर्मर पहन गया हूँ, वरना ये मेरे भरूड़ी बल देते कति बिचड़ जाया तो। अबे यार इसको थोड़ा रास्ता मेरे को पहले बना लेना चाहिए था, बनाया कि नहीं मैंने रास्ता, मेरे को यार सोल स्टैंड लेने के लिया हूँ। वैसे तो मैं जहाँ भी मतलब सोल स्टैंड इतनी आसानी से हो जाती है, पर जब काम की चीज़ जब चीज़ का की ज़रूरत होती है ना, उसी टाइम पता नहीं वो कहाँ दबक जाती है जाके, और तो अंडर मैंने ये मेरे बैठे ना तो अच्छी बात है, अंडरमैन ना मैं ऐसे कुछ कह रहा हूँ, पहले तो आँख बजाऊँगा मैं, बहुत डर लग रहा है मुझे आँख से सही में, कुछ ज़्यादा ही गोल्ड भी है यहाँ तो, इतनी आसानी से गोल्ड मिला तो क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो।
एफिशिएंसी 4 वाली इस्तेमाल कर रहे हैं पिकैक्स एमओ की। फोटो से मैं यार गोल्ड के जो नगट काफ़ी मिल चुके हैं हमारे को मेरे ख्याल से। और ये कौन सा स्टोन है यार, तोड़ के देखते हैं चलो कौन सा स्टोन है। आया कलेक्ट हो गया कोविस्ट, सॉरी ये, हाँ ये रहा, इसका नाम क्या है बेसाल्ट। अच्छा ये होता है क्या बेसाल्ट, काफ़ी दिख रहा है मुझे। चलो तोड़ के ले चलो, अपने हाउस को अच्छा करेंगे, अपने घर को अच्छा करेंगे, अपने विलेज में यूज़ करेंगे मैं से। और तू मुझे बताए मुझे भेड़ेगी, तू मेरे से भेड़ेगी इसको तो मैं कम से दे बटाबट दे पेल डालू से मैं पट से हेड शॉट। ये बच्चे निकल गई इसकी, एक और है एक और, ले तू भी खा, उसने खाया तू भी खा, ये खाने के लिए आए थे थी। फिलहाल यार जो बसोल्ट पड़े हैं कलेक्ट करते हैं और आगे सर्चिंग चालू करते हैं सोल सेंट के लिए। और मैं ब्लॉक भी चाहिए हमें यहाँ कुछ नैदर कोट भी बड़े चले, इसको भी तोड़ लेते हैं। मुझे पता चला है कि हाल में कि नैदर कोट से सबसे ज़्यादा एक्सपी मिलती है, ये बात सच है या झूठ मेरे को बताना क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने बस सुनी है ये बात। ठीक है फिलहाल ग्लो स्टोन भी काफ़ी पड़ा है यार, फिर यार मेरे को सिल्क टच वाले बना लेनी चाहिए थी क्योंकि मैं इसको तोड़ूंगा तो ग्लो स्टोन पाउडर मिलेगा, ग्लो स्टोन नहीं मिलेगा हमें। अब ग्लो स्टोन पाउडर मिलेगा उससे फिर ग्लो स्टोन बनाओ तो बहुत लंबा काम आ रही है, जितनी मिल रही है लूट लो यहाँ से क्योंकि आया नदर में बार बार नहीं आने वाले हम, सबको पता है कितनी खतरनाक जगह रही है नदर से हेल। और कहाँ तोड़ेगी चलो, आप करते हैं इकट्ठा और यहाँ से सोल ठंड के साथ में निकलते हैं क्योंकि हमने काफ़ी देर लगा लिया यार, लालच कहाँ जाएगा हमारा। और यार कुछ कुछ भी क्या, ये कौन सा स्टोन है यार, एक दिन पहले ग्लो स्टोन इकट्ठा करो, ये कौन सा स्टोन है, ये मेरे को कोबल्ट स्टोन लग रहा है नदर के क्योंकि लुक ऐसी यार कोबल्ट स्टोन जैसी है, बस काले हैं थोड़े थोड़े नहीं पूरे काले, मामला यहाँ कुछ ज़्यादा काला पीला है, बड़े काला पीला लाल। अब कौन सा स्टोन है आप कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कौन सा स्टोन है आखिरकार, ये मेरे को सुन नहीं आ रहा, ये एक से ये है ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल बेसोल्ट भी इकट्ठे कर रहे हैं तो क्योंकि काफ़ी बढ़िया, मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इसको इकट्ठे करने का, पता नहीं क्यों ऐसा क्या काम आने वाले हैं हमारे ये, पता नहीं क्यों बहुत मिल गया। ये स्टोन है मैंने मेरे ख्याल से पहली बार देखे मैंने सही में, बहुत मैंने आज तक देखे नहीं है अपने ज़िंदगी में कभी, ये अपनी मतलब खुद खेलता हूँ उसकी कह रहा हूँ, मतलब किसकी वीडियो देखूँ तो वो अलग बात है, मैंने खुद अपने सामने अपने वर्ल्ड में कभी नहीं देखे स्टोन। सोल सेंट इतनी आसानी से मिल जाती थी पर आज उसका नाम निशान नहीं है, पता नहीं कहाँ जाकर डूब के मर गई वो भी, ना हमें मैग्मा ब्लॉक दिख रहे हैं, कुछ अलग ही सीन बैठ रहा है इस बात तो यार काफ़ी मुझे कहीं से यार घोष्ट घाष्ट की रोने की आवाज़ आ रही है कहाँ यहाँ, ये कोती मेरे पोर्टल क्या वहाँ घूम रही है कमी नहीं, मतलब मेरे इंतजार कर रही है मेरा यार, मैं बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ इससे, मेरी बो में जो पावर टू लगाना एक नंबर यार, घास इतनी खतरनाक तरीके से मर दिया एक ही यार आयरों में और मैं गिर गया कहीं, और मैं कहाँ गया वो ब्लेस वो स्केल्टन में, इसकी तो मैं बसड़ी बदलूँगा इसकी तो दे बट्टा बट्टी मारूँगा सही में, वो हाफ हार्ट ओवर में ध्यान से मारना पड़ेगा इसे, रुक के पागल हो गया क्या मैं इसके सामने जा रहा हूँ। फिलहाल तो खाना खाऊँ हेल्थ बढ़ाऊँ फिर देखेंगे यार, मैं शायद फोर्टेस में आ चुका हूँ नदर फोर्टेस में पहली बार आया भाई, कहाँ घुस गया मैं, इतनी ज़्यादा खुशी, मैं पहले डर रहा था अब तो खुशी हो रही इतनी ज़्यादा, नदर फोर्टेस में आ चुका यार मैं। फिलहाल तो यहाँ ब्लेस हैं कुछ उसको पेलते हैं, चलो ये भी एक में मरेगी अभी, ये तो दो में, इसकी हेल्थ ज़्यादा होती है क्या कास्ट में, मतलब प्राणी वो बड़ा है तू खा वो तू भी खाएगा ले या तू भी फ्री कमर लेता पेल ठीक है, यहाँ ब्लेड हैं काफ़ी सारी,
हो सकते हैं यहाँ पर ब्लेस पोनर भी होगा सही में, कहीं ना कहीं ये चार्ज हो गई है, ये चार्ज हो गई है, वही फेंकेंगे आग के गोले फालतू में। अच्छा है, मैं दूर नहीं से थोड़ा, ये वो मैंने सही में सबसे अच्छी काम करा, सबसे अच्छा काम करा है मैंने एनशायरमेंट करके लगा के इस पर। यहाँ कुछ अजीब सी वादा, ये रेस्पोन है, पहले तो यहाँ यहाँ इसको बंद करूँ, कभी बसूड़ी बल दें मेरी में, ठीक है इसको भी बंद करो यार, यहाँ से भी कोई आना नहीं चाहिए। सामने स्केल्टन खड़ा है, मारो ना मारो, क्योंकि उसके पीछे यार पिगलिंग्स भी दिख रहे हैं मुझे, गलती से पिगलिंग्स के लग गए सारे, कुत्ते की तरह मारे यार मुझे यार, ये मुझे पता भी नहीं यार मैं कहाँ से क्या क्या आया हूँ, तो मैं एकदम गिर गया पता नहीं कहाँ से यार। तेरी माँ का टिकटॉक मारूँ, वो तू कहाँ से आ गया कमीने, अभी क्या खुल विदर, अरे कौन सा पोशन लगा गया यार ये, क्या कर गया, कौन सा इफेक्ट दे गया, क्या खुल रहा है बाल में, इसको मारना पड़ेगा गाइस सही में, बहुत गंदा मारे उन्होंने, मर जा। मुझे एक बार को लगा था कि मैं बचूंगा नहीं सही में यार, क्योंकि यार पता नहीं हड़बड़ी में मैं क्या क्या खोल रहा, क्या क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कूल डाउन, कूल डाउन, इसको देखते मुझे फिर क्यों गुस्सा सा जाता है, क्योंकि क्या करूँ यार मैं, समझ आ रहा ब्लेज भी सारे टीम वर्क कर रहे हैं मेरे को मारने के लिए, प्लानिंग करके आए कती है, फिलहाल इसको मैं पेलता हूँ और चलते हैं चले, क्योंकि यार मैं ज़्यादा देर रुक नहीं चाहते यहाँ नैदर में, क्योंकि मैं सोल सैंड ढूंढने आया उनका क्या क्या कर रहा हूँ, और ये मर क्यों नहीं दिया यार, ये पिगलिंग्स मारने वाले क्या, नहीं चलो अच्छी बात है नहीं मारने आ रहा, तो जल्दी से करते हैं जो भी करना है हमें। जैसे कि यार तुमने देखा कि हो जोश में होश खो दिया था हमने कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं मर गया था उनके चक्कर में, क्योंकि यार सारे बंदे इकट्ठे आ गए, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहे हैं, एक फालतू मैंने गेट खोल दिया एक तो ये वाला, ठीक है फिलहाल ये स्केल्टन है एक, इसको पेलते हैं नीचे से मारे, नीचे डायमंड नहीं होगा, चलो ऊपर से मारते हैं चढ़ के, वो बेटर रहेगा आई थिंक, इसको भी एरो से मारे हैं बहुत ही मारेंगे इसको भी, सीधे पट से हेडशॉट, पट से हेडशॉट कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, पबजी का क्रेज अभी भी गया नहीं मेरे मेरे से बस हम रन। और गाइस यार काफ़ी देर से मैं सोल सेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे मिल गई है, भले ही मैंने 64 वन और वन स्टैग इकट्ठा कर लिया फिर भी मैं रुक नहीं रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिल जा रही है सही में, मानोगे नहीं कम से कम इतनी, ये मुझे ये कौन से प्राणी है, ये मारेंगे क्या हमें, तो गाइस मुझे पता चल गया ये मारेंगे नहीं, तो मैं अब नहीं मानने वाले तू पिटे यार, ये फालतू में अपना वो देख कितने शांत से सीख कुछ सीख तू कुछ, बस अब सोल सेंट मिल चुकी है, मैग्मा ब्लॉक मैंने ले लिया है, तब यहाँ ऐसे निकल जाते हैं, अब और किसी से छेड़ नहीं लेनी, क्योंकि जोश में होश खोने में कमी ज़्यादा देर नहीं लगती, मैं यहाँ से गिर चुका हूँ। अच्छा यहाँ लावा नहीं था, जगह अच्छी मिल गई इस बार सही में को यार, देख रहे मैग्मा ब्लॉक उसकी जलती नहीं है, मैग्मा ब्लॉक हमने इकट्ठे कर ही लिया है सही में, पहले हम वहाँ ले के चले जा चुके हैं, हमने चेस्ट में भी रख दिया हम लोगों ने, क्योंकि बीच में मैं मर भी गया था एक बार,
इतनी फाइट लूँगा तो मरूँगा यार, मतलब कम से कम 4-5 घास मार दी मैंने इस बार से, में मतलब मैं से एक भी नहीं मिलती फिलहाल तो। मैं बस पहुँच चुका हूँ अपने पोर्टल, मैं सोच रहा हूँ पिगलिंस को मार दूँ क्योंकि मुझे गोल्ड चाहिए थोड़ा सा। अब मार दिन बच गया, अब जल्दी से निकल लो इससे पहले उसके खानदान आके मेरे को बठोड़ी बल दे मेरे में, क्योंकि इनके दिल में दया नहीं होती बिल्कुल भी, हमारे में भी कम की। वो तू फालतू में गया, तू नहीं आएगा मत ही तू, मैं बस अब तो निकल गया मैं तो। इतनी बकचोदी क्यों करता हूँ मैं, आखिर क्या क्या शौक है मुझे करने का। अच्छा भला जा रहा था, क्यों इसे पंगा लिया, वहाँ पर जाओ वहाँ पर सामान इकट्ठा करो। अब वो इकट्ठे करते करते दोबारा मार सकते हैं, क्या पता कितने टाइम लग जाए उसको सामान लेने में। जो ये पर हमारे तो पोर्टल बंद हो गया अभी, चलो इसको पोर्टल को करते हैं चार्ज वापस, कायम ये फ्लिंट स्टील नहीं लगा। अब बस पोर्टल को चार्ज करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ फिलहाल के नीचे सामने तो नहीं बढ़ा नहीं है, जो अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। फिलहाल पोर्टल जल्दी चालू और भाई चलो, हमारा पोर्टल ना कुछ लंबा होना चाहिए ऐसे पोर्टल, नॉर्मल लोगों को देखा था उन्होंने हाइट में होता उनका, मेरा चौकोर बनना पड़ा है डब्बा करते सबसे अलग बनाया हमने। तो बस यार यही तो था आज का गेम प्ले, क्योंकि मैं ले आया हूँ सामान इसको रखूँगा चेस्ट में, अगले एक्सप्लोर एपिसोड में पक्का गारंटी बनाएंगे एक्सपीकॉम तुम्हारे भाई की गारंटी, और वो वीडियो 1 वीक तक नहीं रुकेगी उससे पहले देगी गारंटी जल्दी। मैम लोग तो हमने रख दिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम कुछ काफ़ी स्टोन ले आए। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जब मैं जा रहा था नदन में उस टाइम मेरे को इतना डर लग रहा था, पर मुझे मजा आ रहा है क्योंकि यार इतनी चीज़ें लेके आ गए हम, ब्लेड रोड भी ले आए हैं बताओ, लोशन पाउडर भी, नदर वदर हर चीज़ ले आए, और ये कुछ फालतू के मशरूम भी ले आए, और गोल्ड नगर तो यार कुछ ज़्यादा ही है सही में, 2.5 स्टैक हो चुका हमारे पास। बस ये वीडियो यहीं तक थी आज की, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कर दो जो तुम्हें करना, और यार तुमसे मुझे कुछ बात भी करनी है तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सामान रखता हूँ उसके बाद मैं तुमसे बात करना चाहूँगा ठीक है। बस हम आराम में पहनते अपना और चलते हैं तुम्हारे से बात करने, क्योंकि मीटिंग बिठानी है मुझे। यार कितना ऑसम लग रहा है यार, एक नंबर का थी जहर, तो बस यार चलो भाई हमने कपड़े पहन लिए हैं और अब चलते हैं मीटिंग में अपनी, मीटिंग में जो बात होना। तो कैसे तुम्हें पता ही होगा कि मेरे जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब कम होते यार दिन ब दिन, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरे रीच इतनी ज़्यादा रोक रही है यूट्यूब वालों ने, मेरे 700 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, भले तुमने देखे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइलस्टोन हमारा आ चुका है 700 सब्सक्राइबर का हमारे पास, जो मैंने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट पर डाल दिया है, ऑफिशियल अकाउंट है आई जॉइड, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक का, जाओ फॉलो करो तो अपने भाई को सपोर्ट करो, दिल से अगर करना चाहते तो ज़रूर करना ठीक है। तो बस यार तुम्हें यही काम करना है, जाके देखो इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट बनाओ अपने भाई की इतना बड़ा, और यार तुम्हें यही दूसरी चीज़ यार शेयर कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दुश्मन भाई भूई नाती सारे पोते वोते जो भी है सबके साथ शेयर कर दो, सबको दिखाओ ये वीडियो, तो इस वीडियो में मुझे भर के व्यूज चाहिए यार, जितना मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि मैं डी मूवी टी वी हो चुका हूँ सही में, वो देख के मुझे एक हफ्ते में 200 व्यूज भी पानी है, और वो उस टाइम की तो बात ही खतरनाक हो रही है। तो बस शेयर कर दो, मुझे नहीं पता इस बार बस एम वेम कुछ नहीं, बस शेयर कर दो जितना कर सकते हो, शेयर बस मुझे ये चाहिए। तो यार बस वीडियो क्लास इतना ही, अपने चैनल में करेंगे आपको, बाय बाय।